मैं कलकत्ता। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, वैसे खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो एंड ऑल हैप्पी रहो। सो गाइस, सुबह के बज रहे 10:29 और हम बहुत देर पहले उठ चुके हैं। उठ के आज गाइस पता है एक चीज़ हुआ, हम योगा वगैरह नहीं कर पाए, किए बट घर पे किए, ऊपर छत पे नहीं गए। तो अभी फटाफट मस्त बनाई है गर्मा गर्म चाय, सारी चीज़ें सुबह से जो भी होती है घर की, थोड़ी बहुत बेड वगैरह क्लीन करना एंड ये योगा वगैरह करना, चाय वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और अभी जस्ट रश्मीर को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ मैं, वो गया हुआ ट्यूशन, तो उसके ट्यूशन से आते आते घर में जो भी पेंडिंग वर्क्स रहते हैं ना, वो सारी करनी है। इससे पहले मैं खुद को मिला था और ये हमारी चाय दिखाते, चाय दे दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये गाइस लीजो रानी सो रही है और बैल्कनी का आज हाल थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, गर्मी भी है हल्का हल्का, ठंड भी है, ठंड बोले तो वेदर सही है। ये हमारी तुलसी माता जी, जय भोलेनाथ। ये हमारी चिड़िया रानी, हेलो चिड़ू रानी, गुड मॉर्निंग चिड़ू रानी, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे प्लांट्स, ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। ये फूल हो गया, फ्लावर, माय गॉड कितना मस्त लग रहा है गाइस, कमेंट में बताना। ओके दीदी, दी देखियो। और ये मेरा मिट्टी का ये वाला, तुम्हें सूखने में 4-5 दिन तो लग ही जाएगा। दी जाके देखो ना फ्लावर कितना मस्त जो अवे द फूल है। मिलते हैं गाइस, चाय पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, अर्शवीर आ जा के। हेलो गाइस, तो अभी अर्शवीर भी आ गया है ट्यूशन से। हाँ जी, ये देखो गाइस, अभी जो हमारे खाने में जो बन रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह था, ब्रेड वगैरह था। अरे हम पता है गाइस दोपहर के खाने में क्या बना रहे? आलू चौड़चड़ी बंगोलियों को ज़्यादा पता होगा, अर्शवीर की फरमाइश है ये, और साथ में गाइस ठीक है। तो ये देखो मैं प्याज थोड़ा सा कट कर रही हूँ, हालांकि प्याज जलता नहीं है, तो मैंने यूट्यूब से वीडियो देखा है तब, ये इसकी ग्रेवी ना थोड़ी सी प्याज से अच्छी बनती है। ये देखो अभी मैंने आलू कट किया है, दिखाती हूँ, ये आलू कट किया है और ये प्याज कट कर रही हूँ। लंच ये है गाइस, पूरी एंड आलू की सब्जी जो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, राजमा भी है, इसको बंगाली में बोलते हैं आलू चौड़चौड़ी और पूरी, ठीक है। ये देखो अर्शवीर खा के बता, एक पूरी एक बाइट ले, एक बाइट ले पहला, कैसे बने यार गाइस, इसमें पूरी मेहनत मेरी है, ठीक है। ये अपनी महारानी बैठी हुई है और घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म और खाना भी बन चुका है और टाइम हो चुका है गाइस 1:30, तो खाना पीना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। गाइस फाइनली खाने वाला हो चुका है हमारा कंप्लीट और सारी चीज़ें नीड एंड प्रिंट, सुबह से लेकर फिर तक का कोटा हुआ फिनिश, तब थोड़ा करते हैं गाइस रेस्ट, फिर आपको मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी हम उठे थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर जा रहा है ट्यूशन, उसको लेके जा रही हूँ, उसका मूड सही नहीं, आज सैटरडे है और मैम ने दोनों टाइम ट्यूशन रख लिया, इसलिए वही बच्चे का मूड है खराब। तो बस बनाइए अभी गर्मा गर्म चाय और चाय पानी पीते हैं, अर्शवीर के तो ट्यूशन से मतलब आने में टाइम है, तो अर्शवीर आ गया ट्यूशन से। ओके, और हमारे साथ बहुत बड़ा वाला पोपट हुआ, मतलब हमें पता ही नहीं था बहुत बड़ा मतलब पंगा पड़ जाता, बच गए भगवान की कृपा से। तो ना दिखाती हूँ मिनट गैस, देखो ये जो गैस है ना, यहाँ पे जो गैस था, गैस का जो पीछे का जो पाइप होता है ना गैस, वो पता नहीं आई डोंट नो कैसे पूरा फट गया था क्या, मतलब सुबह से ना गैस की अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो उस वजह से मैंने चेक किया देखा तो पाइप फट गया है। तो खैर जो भी हो, अभी उसको मैकेनिक के पास लेके गई है दादी मेरी, जो हमने बोला कि हम कल सुबह तक लेके जाएंगे, पर दादी बोली कि नहीं मैं पास में एक शॉप है जिसको जानती हूँ वहाँ लेकर जाकर देखती हूँ। तो दादी गई है अभी और अर्शवीर अभी आ गया ट्यूशन से, तो उसके लिए मैं बना रही थी कुछ खाने पीने का, तो ये है उसके लिए ब्रेड एंड बटर, ये देखो ये वाला इंडक्शन पे बना रही हूँ गाइस मैं,
और ये इसके लिए चाय बनाई है। मिलती हूँ फिर आपको, देखते हैं रात का खाना पीना वगैरह क्या होगा कैसे होगा, आई डोंट नो। और गाइस रही बात इंडक्शन, तो है वैसे हमारे घर पे, बट इंडक्शन का मेन ना मुद्दा ये है कि सारे इस पे जो बर्तन यूज़ होते हैं ना गाइस, तो सारे वो नॉनस्टिक वाले बर्तन चाहिए, तो हमारे घर पे सारे बर्तन तो नॉनस्टिक वाले हैं नहीं, तो इस पे तो नॉनस्टिक वाले यूज़ होते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है अब रात का खाना पीना। टाइम हो चुका है गाइस 7:15, 7:15 गैस गैस तो ठीक हुआ नहीं, दादी जी शॉप पे गए तो शॉप मिला ही नहीं बंद हो गया। हमने पहले से ही मना किया था दादी को, दादी ने हमारी बात नहीं सुनी, इसी वजह से दादी का ऐसे ही फालतू में मतलब गई थी लेके। तो अभी गैस कैसे हुआ कि रात का खाना तो खाना ही है ना, तो खाने में देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ ऐसे चावल है, दाल है इसके अंदर ही, आलू है। ये वाला कुकर गैस इंडक्शन वाला कुकर है, तो इसमें जैसे ऐसे ही नॉर्मल बनाएंगे ये खाना बनेगा इसमें। तो ना गाइस हम खाएंगे वो घी नमक एंड हम किसी कोई अचार या फिर चटनी वगैरह जो भी, आज की रात कैसे बोल के गुजारनी पड़ेगी बिकॉज हमारे घर गैस का जो काम हो गया है ना ये इस टाइप से हो गया। ये सी देखो ये जो पाइप होती है ना, ये पाइप पूरा इधर से मतलब इसके अंदर का जहाँ से गैस सप्लाई होता है, जहाँ से गैस होता है, वो चीज़ पूरी टूट गई है, कट गई है, इसी वजह से रिक्स नहीं लेना है। जब तक ठीक नहीं होता तब तक जैसे भी है करके चला लो। तो मिलती हूँ रात को खाना पीना खाने के बाद, और दीदी थोड़ा अपना शरीर को पढ़ा रही है, सब स्टडी कर रहा है। 6.5 hours later ये भी खाना वाना हो चुका हमारा कंप्लीट, और गाइस सब जा रही हूँ मैं सोने बिकॉज मुझे नींद बहुत आ रही है, और मैं को ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन से लग रही है, प्रेशर आई थिंक लो हो गया, चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, ब्लॉक कर रही हूँ फिर मैं एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो कैसे आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली ब्लॉग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।